हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट फिर से कर रहे हैं एक नया सेशन जिसमें फिर से हम 50 MCQ क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस MCQ क्वेश्चंस के जो सेशन में हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया हमने आप लोगों के कहने से, तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए आप सब लोग। और जब तक आप लोग लाइव आते हैं सब, तब तक मैं आपको एक दो बात और बताना चाहूँगी। जनरली जो हम हर रोज डिस्कस करते हैं, हर एक चीज स्टार्ट करते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और वही 50 क्वेश्चंस का सेशन रहेगा, तो 9 बज चुके हैं और लाइव आने के लिए 1-2 मिनट और हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। चलिए, जनरल अवेयरनेस के बारे में आज फिर से हम 50 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आए हैं हम लोग, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछ रहा है, हीट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ग्लास इज, कांच की गर्मी की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं कौन सा राइट आंसर है। आप मुझे जल्दी से बताइए। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास बिल्कुल सही उत्तर है। ये एक ऑप्टिकल ग्लास है। क्वेश्चन नंबर वन फिर से रिपीट करना चाहूंगी, माइक का थोड़ा सा इशू हो गया था। तो हीट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ग्लास इज, हीट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ग्लास क्या है? कांच की गर्मी की प्रतिरोधी किस्म पूछी गई है आपसे। सी इज द राइट आंसर, फ्लिंट ग्लास इज द राइट आंसर। इसमें आपसे पूछा गया था हीट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ ग्लास, तो सी इज द राइट आंसर, फ्लिंट ग्लास बिल्कुल सही उत्तर है। फ्लिंट ग्लास एक ऑप्टिकल ग्लास है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, और फ्लिंट ग्लास को हम यूज करते हैं टेलीस्कोप्स में, लेंस इनका इनसे लेंस बनते हैं टेलीस्कोप्स में, प्रिज्म में, इन सब में फ्लिंट ग्लास का यूज होता है। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही मिलान है? आपको एक तरफ नारे दिए गए हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, किसने ये नारा दिया है? तो ये आपसे पूछा गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इनके अकॉर्डिंग सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, स्वराज इज माई बर्थ राइट स्वामी दयानंद। तो ये आपके सामने ऑप्शन है और आपसे सही पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जय जवान जय किसान बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। बाकी सब नारे गलत हैं। डू एंड डाई का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। वहीं अगर हम दिल्ली चलो की बात करें, ये सुभाष चंद्र बॉस के द्वारा दिया गया है, और स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये मैंने कल की पीपीटी में आपको कराया भी था, कल के सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। ये लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया हुआ नारा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स, 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल कौन सी यूनिट होती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं, किलोबाइट, बिट, गीगाबाइट एंड मेगाबाइट। सी इज द राइट आंसर, 1 गीगाबाइट में अप्रोक्सली 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। 10737418 24, इतने बाइट्स होते हैं 1 गीगाबाइट में। अगर यही आपसे क्वेश्चन 1 GB इज इक्वल टू डैश MB पूछ लिया जाता तो 1024 हो जाता। तो याद रखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, 1 GB में कितने MB होते हैं। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 1 GB इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा गया है, जो स्लाइवा आपके माउथ में स्क्रीट होता है, जो लार निकलती है आपके मुंह से, वो क्या पचाती है, किस चीज को डाइजेस्ट करती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करने में सलाइवा हेल्प करता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो
आपके स्टार्च को स्मॉलर शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है, माल्टस वगैरह में इसको डिवाइड करता है, ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इजीली पच जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सलाइवा जब स्क्रीट होता है आपके माउथ में तो वो डाइजेस्ट करवाता है किसे, स्टार्च को। स्टार्च इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है, जो मध्यकालीन समय में चोला डेंसिटी के समय, चोल काल के समय जो कांस्य की ब्रॉन्ज मेटल की जो नटराज की मूर्ति थी वो देवता के किस रूप को दिखाती थी, भगवान के किस रूप को प्रेजेंट करती थी। चोलाज के टाइम पे जो नटराज की कांस्य मूर्ति थी, कांस्य चिन्ह था, वो देवता को किस रूप में दिखाते थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर हैंड्स, चार हाथों को दर्शाया गया है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये नटराज की कांस्य मूर्ति है, इसमें भगवान शिव के चार हाथों को दिखाया गया है, इसमें भगवान शिव डांस फॉर्म में दिखाए गए हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी को धरती की फिर से क्रिएशन के लिए ये डांस किया था। तो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है, चार हाथों का इस्तेमाल है इस मूर्ति के निर्माण में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपसे क्या पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन जो 1897 में जो बनाया गया था, जो फाउंडेड हुआ था रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना किसने की थी, मानवीय राहत और सामाजिक कार्यों के लिए बनाई गई ये जो मिशन है रामकृष्ण मिशन, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो 1897 में इसका फाउंडेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद इसके सही उत्तर है, और जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये रामकृष्ण परमहंस हैं और ये स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे, ये इनके आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु थे, इन्हीं के लिए ये रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपसे पूछा गया है, जो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एनिमल सेल डोंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि एनिमल सेल्स में नहीं होता। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं, जो एनिमल्स हैं वो हिटरोट्रॉफिक हैं, वो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। जो पॉइंट बी है उसमें आपको बोला गया था कि प्लांट सेल का साइज छोटा होता है जबकि एनिमल सेल का बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई है। प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट सेल में होता है जबकि एनिमल्स में नहीं होता। न्यूक्लियस दोनों में होता है, दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग हैं, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट व्हाइल एनिमल सेल डोंट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि वो खुद से खाना नहीं बनाते जबकि पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट में आपसे पूछा गया है, केप कैनावेरल एक जगह है, एक साइट है, और पूछा गया है जहां से स्पेस में शटल्स को भेजा जाता है, ये कहां लोकेटेड है, केप कैनावेरल कहां पे है ये। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, जहां स्पेस में शटल्स भेजी जाती हैं उसकी लोकेशन आपसे पूछी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लोरिडा बिल्कुल सही उत्तर है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहां पर बैरियर आइलैंड है, एक बैरियर आइलैंड है, उसकी नॉर्थन टिप पे केप कैनावेरल है, जहां से आप स्पेस में शटल
भेजते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के अंदर एक सिटी है कैप कैनेवरल, जो कि जहां से हम स्पेस में शटल्स भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में आपसे पूछा गया है कौन सा मेंबर सार्क का नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक कंट्री है जो सार्क का हिस्सा नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मॉरिशियस सार्क का हिस्सा नहीं है। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, सार्क के फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसमें 8 मेंबर होते हैं, आपके 8 मेंबर हैं सार्क में, और वो मेंबर हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और मॉरिशियस इसका हिस्सा नहीं है। और आप अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है, ये आपकी 8 कंट्रीज हैं जो इसका हिस्सा है, जो इसमें मॉरिशियस नहीं है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू में है, याद रखिएगा ये, अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए। और अगर फर्स्ट मीटिंग की बात की जाए, फर्स्ट मीटिंग तो ढाका में थी इसकी फर्स्ट मीटिंग, सार्क की जो फर्स्ट मीटिंग है वो ढाका में हुई थी, और 8 देश इसके मेंबर हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछे गए हैं जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क का नाम पूछा गया है आपसे। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके नेटवर्क का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आरबीआई नेट। आरबीआई नेट में क्या है, इसमें आपका जो भी आरबीआई से रिलेटेड जो भी बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक्स की जो बैंकिंग सर्विस हैं, उसके लिए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करते हैं, एक जो नेटवर्क बनाया जाता है, जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उनका यूज किया जाता है, वो आरबीआई नेट के अंडर आता है। तो याद रखिएगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है आरबीआई की, जितने भी सेवरल बैंक्स हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, वो वेरियस एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो आरबीआई नेट के अंडर आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11th में आपसे पूछा गया है जो मध्यकालीन, जो मेडिवल टाइम पीरियड में संस्कृत के जो ग्रंथ हुआ करते थे, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था अपभ्रंश। अपभ्रंश एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था संस्कृत ग्रंथों में, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शंस आपके सामने आपके स्क्रीन पे हैं, तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो अपभ्रंश है उसका इस्तेमाल आधुनिक भारतीय भाषा में से कुछ के प्रारंभिक रूप को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको डोनेट किया गया है, ये वर्ड उनको डिनोट करता है ये वर्ड। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th की ओर। क्वेश्चन नंबर 12th में आपसे पूछा गया है, अगर आपको इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं, तो ये पावर किसके पास है, कौन मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए किसके पास शक्ति है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव कर सकता है हमारा पार्लियामेंट। अगर उन्हें नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो टोटली वो पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, इज जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरी इन द ईयर वेयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। आपसे पूछा गया है, जब जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अगर हमें ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, तो आपकी एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए। तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन ईयर। साल में ये बढ़ती और गिरती रहनी चाहिए, तभी आप जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्राप्त करेंगे। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कभी फॉल होगी, कभी राइज होगी, तो अगर तभी आप जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा गया है,
इसमें आपसे पूछा गया है जो पायनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया संवाद के प्रेरक कौन थे, तो ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं, तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। कम्युनिज्म इन इंडिया के प्रेरक पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मानवेंद्र राय। मानवेंद्र राय बिल्कुल सही उत्तर है, ये मानवेंद्र राय है, इन्होंने कम्युनिज्म मैक्सिकन कम्युनिज्म भी इन्होंने फाउंड किया है और कम्युनिज्म पार्टी भी इन्होंने बनाई है। जैसे कि मानवेंद्र राय को आप देख पा रहे हैं, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया है, प्लस में मैं लिख देती हूँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर भी ये थे, ऑफ इंडिया, प्लस में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी यही थे, मानवेंद्र रॉय। मानवेंद्र रॉय कम्युनिज्म के पायनियर हैं भारत में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है ओपेक का। ओपेक क्या है? ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वियना बिल्कुल सही उत्तर है। आप जैसे कि इमेज में देख पा रहे हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है और यहाँ ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक हमारा पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी पेट्रोल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं वो इसकी मेंबर हैं। वहाँ आपको एक स्टेबल प्राइस पे, एक उपयुक्त प्राइस पे आपको पेट्रोल की जो पॉलिसीज हैं वो सब कंट्रीज मिलकर इसको डिस्कस करती हैं। जो इसका पहला हेडक्वार्टर था वो पहले स्विट्जरलैंड में हुआ करता था, स्विट्जरलैंड में जिनेवा। बहुत से लोगों को ये रहता है कि अगर हेडक्वार्टर याद नहीं है तो जिनेवा लगा देते हैं, परंतु याद रखिए इसका अब ये हेडक्वार्टर चेंज होके वियना ऑस्ट्रिया में हो गया है। वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है ओपेक का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन कौन से आयरन ओर में पाई जाती है, कौन से आयरन ओर में सबसे ज्यादा आयरन की परसेंटेज होती है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट बिल्कुल सही उत्तर है। मैग्नेटाइट एक इमेज में देखिए आप, मैग्नेटाइट एक रॉक मिनरल है, रॉक मिनरल है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है Fe3O4 है। इसमें जो परसेंटेज ऑफ आयरन है वो 72% है। तो याद रखिएगा ये एक रॉक मिनरल है, इसका केमिकल फॉर्मूला Fe3O4 है। इसमें जो आयरन है उसकी परसेंटेज आपकी 72% है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयरन है वो हमारा मैग्नेटाइट में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। 17 में आपसे पूछा गया है, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, इंडियन फ्लैग बीरर कौन थे 2012 के ओलंपिक में, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सुशील कुमार बिल्कुल सही उत्तर है। सुशील कुमार थे वो जिन्होंने 2012 में इंडिया का ध्वजवाहक थे वो 2012 के ओलंपिक में। ये 66 kg में खेलते हैं, ये रेसलर हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2012 के ओलंपिक में। ये पहले भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने दो ओलंपिक में मेडल जीता है, पहले भारतीय हैं ऐसे। तो सुशील कुमार ये आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, ये फाइट रेसलर हैं, ये 66 kg वेट में खेलते हैं और पहले इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक में दो मेडल जीते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फिर से एक हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ लोकेटेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है आपसे कहाँ है। ऑप्शंस आपके सामने है, हेग इज द राइट आंसर, हेग नीदरलैंड। ये याद रखिएगा हेडक्वार्टर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं
ये है, यहाँ पे आईसीजी का हेडक्वार्टर भी लिखा गया है वियना में। अभी मैंने आपको बताया ओपेक का हेडक्वार्टर है, तो इसलिए हेग नीदरलैंड आप याद रखेंगे। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी, आईसीजी में क्या होता है, जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, उन पे डिसीजन लिया जाता है आईसीजी में, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, मिग इंजन्स कहाँ असेंबल होते हैं, मिग इंजन्स कहाँ बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिग इंजन्स हैं क्या, जितने भी फाइटर जेट होते हैं, एयरक्राफ्ट प्लेन्स होते हैं, उन सब में मिग इंजन लगते हैं। तो ये मिग इंजन आपसे पूछा गया है कहाँ बनाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोरापुट उड़ीसा, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है कोरापुट, इसमें ये बनाए जाते हैं। और आपसे मिग सुरखी सरोखी सुखोई सुखोई और मिग, इस टाइप के जो इंजन हैं वो एयरक्राफ्ट प्लेन्स में यूज किए जाते हैं। इंडिया के इस भाग में उड़ीसा में कोरापुट है जहां पे मिग इंजन्स बनाए जाते हैं। इसी के साथ आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी, जो अभिनंदन अभी जो भारत के जो सेना में जो अभिनंदन थे, जिन्हें पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था, सैनिक थे इंडियन आर्मी के, उन्हें उनके जो फाइटर प्लेन का नाम क्या था, उनके फाइटर प्लेन का नाम आपसे पूछा गया है, तो बताइए उनके फाइटर प्लेन का नाम बताइए मुझे। यही वही मिग इंजन्स हैं जो उन एयरप्लेन्स में, उन एयरक्राफ्ट में, फाइटर प्लेन्स में यूज होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि गोवा को पुर्तगालियों ने कब कब्जे में ले लिया था, पुर्तगालियों ने कब कब्जा कर लिया था, किस ईयर में कब्जा किया था गोवा पे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1510 में अल्बुकुर्क के नेतृत्व में, गवर्नर थे ये पुर्तगालियों के, उन्होंने 1510 में गोवा पे कब्जा कर लिया था। 1458 में, 98 में, 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे, वास्को डिगामा आए थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी। पहले ये मसालों के व्यापार का इनका मोटिव था। 1510 में इन्होंने गोवा को हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। तो अल्बुकुर्क उस टाइम गवर्नर थे पुर्तगालियों के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश भारत में अंग्रेजी की शुरुआत कौन से गवर्नर ने की थी, गवर्नर जनरल ने की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विलियम बेंटिक ने 1835 में इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था इंग्लिश का भारत में, और 1829 में इन्होंने सती प्रथा पे भी रोक लगाई थी। तो याद रखेंगे सती प्रथा और इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करने वाले और कोई नहीं, विलियम बेंटिक थे। ये विलियम बेंटिक हैं जिन्होंने इंग्लिश की स्थापना भारत में शुरुआत करी थी, स्थापना भी कह सकते हैं, शुरुआत भी कह सकते हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि पहला जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली कौन सी कंपनी थी, जिन्होंने कौन सी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने पहली बार ज्वाइंट स्टॉक ट्रेड किया था भारत के साथ, भारत के साथ व्यापार करने वाली कौन सी ऐसी कंपनी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस में आपको दिया गया है पुर्तगाली, डच, फ्रांस, फ्रेंच, डेनिश, ऑप्शंस इस तरीके से, एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डच थे वो। बी बिल्कुल सही उत्तर है। और आपसे आपको बताना चाहूंगी, 1602 में पहली स्टॉक मार्केट खुली थी, पहली स्टॉक मार्केट एम्स्टरडम में खुली थी, वो डचेस के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। डच थे वो लोग जिन्होंने पहली बार भारत के साथ व्यापार किया था एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की हेल्प से। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, मोनोकल्चर इज ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ, मोनोकल्चर क्या है, किसी एक प्रकार की फसल को जब आप उगाते हैं वो मोनोकल्चर कहलाता है। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है मोनोकल्चर का। तो ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बिल्कुल सही उत्तर है, मोनोकल्चर का एक
करेक्टरिस्टिक है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, कौन सी कंट्री फीफा वर्ल्ड कप 2014 की विनर रही थी? 2014 का पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पिछले ईयर का भी पूछा जाता है, पुराना पूछ लिया जाता है, हम सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको भी हम इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। तो आपसे ये 2014 का विजेता पूछा गया है, तो जर्मनी इसका उत्तर है। जर्मनी बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील होस्ट कंट्री थी और जर्मनी विनर रही थी। तो याद रखेंगे जर्मनी वॉज अ विनर ऑफ 2014 फीफा वर्ल्ड कप। अगर आपसे मैं पूछूं 2018 में फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने जीता था, किसको हरा कर जीता था, तो प्लीज कमेंट्स में ये भी बताएं मुझे, 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम का नाम बताएं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, 2014 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हमारा जर्मनी के द्वारा जीता गया था। 2018 का मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री ने इसे विन किया था और कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया था, ये दोनों ही क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, द बेस्ट वे टू अवॉइड बैंक लॉस फ्रॉम बैंक, बैंक अगर बैंक को नुकसान से बचना है तो कौन सा तरीका बिल्कुल सही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इन ऑप्शंस में से मुझे आंसर दीजिए। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सेप्ट साउंड कॉलेट्रल। कॉलेट्रल एक एसेट्स या एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बैंक बोरर से लेता है, जो उधार जिन्हें उधार देता है उनसे एक सिक्योरिटी रखवाई जाती है कोई प्रॉपर्टी एसेट के रूप में। अगर जो उधार लेने वाला है कर्जदार है वो अगर कभी अपनी पेमेंट्स नहीं दे पाता, लोन नहीं चुका पाता है, तो इन प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन में आपकी हेल्प करती है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करने वाली लेयर का नाम आपसे पूछा गया है। एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आयनोस्फेयर बिल्कुल सही है। इमेज की हेल्प से आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रांसमिट किया गया है सिग्नल और आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास पहुंच गया है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी अलग अलग लेयर्स हैं, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रेपोस्फेयर। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ये सब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी कभी आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले ई आता है, उसके बाद आई एम एस टी, तो ये सबसे आउटर लेयर होती है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, पेस्चराइजेशन बाय द फ्लैश मिल्क इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ, किस तापमान पे दूध को गर्म किया जाता है, जो फ्लैश के द्वारा पेस्चराइजेशन वाला दूध है उसे किस तापमान पे गर्म किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, एंड मुझे लगता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 73 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही उत्तर है। जो हमारा पेस्चराइजेशन वाला दूध होता है, मिल्क है, जो फ्रेश मिल्क है, उसको हम 73 डिग्री सेल्सियस पे हीट अप करते हैं। इस देखिए आप इस इमेज के थ्रू आप ये देख सकते हैं, पहले हीटिंग सेक्शन आता है फिर कूलिंग सेक्शन आता है। इसको गर्म करने का एक रीज़न ये होता है, जितने भी कीटाणु इसमें होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो दूध को ख़राब कर सकते हैं, उनसे बचाने के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो सबसे पहले इसको एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर बहुत थोड़ी सी देर के लिए उसको 73 डिग्री पे कांस्टेंट रखा जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, तो आप ये देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एक ऑथर का नाम, एक बुक है उसके ऑथर का नाम पूछा गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये सीधे दिल से नामक एक किताब है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। आप सबको मुझे लगता है कि पता ही होगा, उम्मीद है कोई भी जवाब गलत नहीं मिलेगा कमेंट्स में मुझे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कपिल देव बिल्कुल सही उत्तर है। ये इनकी बुक का फ्रंट पेज है, कवर पेज है, जो आप देख सकते हैं इन्होंने ये किताब लिखी है, कपिल देव ने, कपिल देव के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें आपसे चेयरमैन का नाम पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम आपसे पूछा गया है, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर दीजिए प्लीज जल्दी।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बी आर अंबेडकर बिल्कुल सही उत्तर है। बी आर अंबेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपसे को ये भी पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी। 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी। इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई हमारे इंडिपेंडेंट भारत की संविधान को लिखने की जिम्मेदारी इन लोगों पे थी। इनका 7 लोगों का की टीम थी, पूरी जो कमेटी थी वो 7 लोगों की मिलकर थी, और जो उस कमेटी के चेयरमैन थे वो हमारे बी आर अम्बेडकर थे। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कौन कौन से लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ऑप्शंस में आपको 5 नाम दिए, 4 नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक नाम नहीं होता। तो आप जो इनके 7 मेंबर्स थे उनका नाम सुन लीजिए, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो याद रखिएगा ये इनके मेंबर थे इस कमेटी के, और चेयरमैन हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी आनंद मठ, एक क्वेश्चन तो यही बन गया है आपका। और आपसे वर्ष पूछा गया है कौन से वर्ष में इसको लिखा गया था। ये एक बंगाली फिक्शन स्टोरी है, उपन्यास है बंगाली। इसको कौन से सन में लिखा गया था, तो 1882 बिल्कुल सही आंसर है। आनंद मठ लिखी गई थी 1882 में ही, ये पब्लिश हो गई थी, और ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखेंगे 1882 में इसे लिखा गया था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा धूमकेतु, कौन सा कमेट ऐसा है जो 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम इसे 1986 में देखा गया था, और 76 ईयर्स के बाद इसे देखा जा सकता है। ये 76 ईयर के बाद ही दिखाई देता है। कौन सा ऐसा कमेट है, इसका नाम पूछा गया, कौन सा धूमकेतु है। ऑप्शंस आपके आपके सामने हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हेली कॉमेट बिल्कुल सही उत्तर है। इसे 76 ईयर्स में देखा जाता है, ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है आपको। और कोई एक जो मनुष्य है वो अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही देख सकता है, मैक्सिमम ये है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ में 2 बार इसे देख सकता है। और ये है आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 31 था ये, और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, हेली धूमकेतु बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, और 76 ईयर्स बाद इसे देखा जाता है। अब ये 1986 में दिखाई दिया था, और अब ये कब दिखाई देगा अगली बार, 2061 में आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्या पूछा गया है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के लिए, नेशनल इनकम के आंकलन के लिए जो डाटा संग्रह किया जाता है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इंडिया में, वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन से मंत्रालय, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, और आंसर बिल्कुल सही है, और सी इज द राइट आंसर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सही उत्तर है। इसके जो हेड होते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल इसका हेड होते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारा NSSO के द्वारा किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या पूछा गया है, पनामा के साथ कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोस्टा रिका, पैसिफिक ओशियन, कोलंबिया, वेनेजुएला। ऑप्शंस इस तरीके से हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेनेजुएला, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके साथ हमारा जो पनामा है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। जो कोस्टा रिका है वो वेस्टर्न की ओर से, देखिए मैं इसमें हाईलाइट कर देती हूँ, वेस्टर्न की ओर से कोस्टा रिका इसको टच कर रहा है। पैसिफिक ओशियन जो है वो आपको साउथ की तरफ से, जो पैसिफिक ओशियन है पूरा ये साउथ की ओर से कवर कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें
कैरेबियन सी की, कैरेबियन सी हमारा नॉर्थ से कवर कर रहा है और कोलंबिया साउथ ईस्ट से, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो वेनेजुआ है वो इसको नहीं टच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाकी तीनों की बाउंड्री इसके साथ शेयर हो रही है बट डी की नहीं हो रही है, वेनेजुआ इसको टच नहीं कर रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 पे, 33 क्वेश्चन हो सो आपको क्लियर हो गया होगा। 34th क्वेश्चन में आपको फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, कल हमने क्वेश्चन किया था मैच द फॉलोइंग का, आर्टिस्ट एंड आर्ट का, उसमें मैंने जो आपको डी ऑप्शन बताया था उसका आंसर सी था, बट जो मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी थी वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेट थी, वो बिल्कुल सही थी। तो कमेंट्स में एकदम से आप हाइपर मत हुआ करें, पेशेंस रखा करें, कि कई बार टिक लगाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है टीचर से, बट जो जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ उस टाइम आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन सी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जा रही है। तो मैंने एक्सप्लेन उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया था, बस टिक उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ऑप्शन डी की जगह ऑप्शन सी था उसका आंसर, बट एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करें आप लोग। तो इसमें आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, तो ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से हैं, जो ब्रह्म समाज है वो बंगाल से बिलोंग करता है, और जो वेद समाज है वो मद्रास से बिलोंग करते हैं, आर्य समाज हमारे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, वहीं अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो वो बॉम्बे से हैं। तो इस तरीके से आई थिंक डी इज द राइट आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अभी भी एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। अभी हम सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। वेद समाज की जो स्थापना की थी वो सरोजनी नायडू और केशव चंद्र सेन ने की थी। अगर वहीं अगर बात कर रहे हैं आर्य समाज की, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं, तो दयानंद सरस्वती ने करी थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम थे जो पंडुरंग, आत्माराम पंडुरंग थे जिन्होंने ये इनकी फाउंडेशन की थी, मगर महादेव गोविंद रनाड़े के टाइम पे इस समाज ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की थी। तो कहीं ना कहीं हम इसका श्रेय महादेव गोविंद रनाड़े को देंगे कि उन ये फला फूला उनकी छत्र छाया में थे, उनके ज्वाइनिंग के बाद फला था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक दोनों से ओरिजिनेट होती हैं। मेटामॉर्फिक का मीनिंग होता है चेंजेस प्लस में फॉर्म, इसकी जो मेटा स्टैंड्स फॉर चेंजेस और मोर्फ मीन फॉर्म, तो ये काफी प्रेशर और हीट से बनने वाली रॉक्स हैं, तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बोथ इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं, एपिसेंटर का संबंध किससे है, किससे एसोसिएट है ये वर्ड, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूकंप अर्थक्वेक से रिलेटेड है एपिसेंटर। जैसे आप देख पा रहे हैं फोकस जो सेंट्रल पॉइंट है वो फोकस होता है, फोकस के ऊपर एपिक सेंटर है जिसके कारण हमारे भूकंप आते हैं, एपिक सेंटर हमारा अर्थक्वेक का मेन रीजन एपिक सेंटर होता है, ये सेंटर जो है एपिक सेंटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको उसका गठन कब हुआ था, वो कब फॉर्म हुई थी, ऑप्शंस आपके सामने हैं कुछ इस तरीके से, तो बताइए 37th का आंसर क्या है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन ईयर पूछा गया है आपसे, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1616 में ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी फॉर्म हुई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे ये पूछा गया है, जो बर्फीला तूफान है ब्लिजार्ड्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, और उसकी विशेषता पूछी गई है कि वो कहाँ किस कौन से रीजन की विशेषता है, तो अंटार्कटिक रीजन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंटार्कटिका में ये तूफान बर्फीले तूफान आते हैं, इनका मेन कारण जो है वहां बहुत ही ठंड होती है, वहां बहुत तेज तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जो साइक्लोन्स हैं वो हमारे वेस्ट टू ईस्ट
मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वहां अंटार्कटिका में आपके जो साइक्लोन्स हैं, तो याद रखेंगे जो ब्लिजियार्ड हैं, जो बर्फ के तूफान है उनका संबंध, या उनके जो जो है वो हमारे अंटार्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में आते हैं। तो याद रखेंगे, 39th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपसे ना 39th क्वेश्चन में ये पूछा गया है, शॉर्टेस्ट रूट पूछा गया है मास्को से सैन फ्रांसिस्को का। तो ये आपसे पूछा गया है, मास्को से सैन फ्रांसिस्को का सबसे जो छोटा रूट है वो पूछा गया है। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओवर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से इसका आंसर बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव से बिल्कुल शॉर्ट रास्ता पड़ेगा अगर आपको मास्को से सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा गया है, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम जीरो। किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर एंड नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस आपसे पूछे गया है। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिल्कुल सही उत्तर है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे जो गैस का वॉल्यूम है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, 41 की तरफ। 41 में आपसे क्या पूछा गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। कुछ एक आपके पास घटनाएं दी गई हैं उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। तो आपको अगस्त ऑफर, पूना पैक, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से है। अगस्त ऑफर हमारा 1940 में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पूना पैक्ट की, पूना पैक्ट हमारा 1932 सितंबर 1932 में हुआ था। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी नवंबर दिसंबर 1932 में हुई थी। तो क्रॉनिकल ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। 2-3-1 आई थिंक बी इज द राइट आंसर। पूना पैक्ट सबसे पहले हुआ, उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई एंड फिर अगस्त ऑफर। पूना पैक्ट में जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी, एससी ओबीसी, इनके लिए अलग से रिजर्वेशन की गई थी इलेक्शंस में। ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम अगस्त ऑफर की बात करें तो ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक ऑफर था भारतीयों को कि उनके लिए उनके अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा, परंतु उनके उसके बदले में इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की मदद करनी पड़ेगी। और वहीं थर्ड राउंड टेबल की बात करें तो 1932 में हुआ था। ये अंग्रेजों की और मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महात्मा गांधी को बुलाया गया था, परंतु वो गए नहीं थे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द हिमालय हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कौन सा हिस्सा है हिमालय का जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है, खिंचाव है जिसमें। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेपाल हिमालय बिल्कुल सही उत्तर है। नेपाल हिमालय की हम बात करें तो नेपाल हिमालय अप्रोक्स 800 किलोमीटर तक खिंचाव है इसमें, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है और एकदम से उसे झटका लगता है, जब बस रुक जाती है, अचानक बस ब्रेक मारती है और वो झटके के साथ आगे की तरफ हो जाता है, इसका कारण पूछा गया है। तो आप कारण बताइए मुझे किस वजह से होता है ऐसा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसका कारण है, जिसे हम न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई मूविंग है तो वो मूविंग में स्पीड में रहना चाहेगी, बट जैसे ही स्पीड में कोई भी बाधा आती है तो वो एकदम झटके के साथ आगे अपने पोजीशन आगे की तरफ चली जाती है। वो उसका मेन रीजन यही है, लॉ ऑफ इनर्शिया उसका रीजन है। आपसे यही पूछा गया था, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो सिंचाई है कूप सिंचाई की जाती है, वेल इरिगेशन की जाती है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी जो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है वो नेट इरिगेशन करती है, अंडर द वेल इरिगेशन, कुओं के माध्यम से जो इरिगेशन करने वाला, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन उसका कुप सिंचाई करती है। तो चलिए ऑप्शंस आपके सामने, हरियाणा, बिहार, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर द ऑप्शंस। एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूपी बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहले जो ट्यूबवेल या जो कूप सिंचाई कह सकते हैं हम, वेल इरिगेशन वगैरह है, वो हमारी यूपी में ही हुई थी। और यूपी पहला
पहला ऐसा स्टेट है जहां पे ये सब हुआ था, और सबसे ज्यादा भी यूपी में होती है। आज के समय में जो हमारे जितने भी ये ट्यूबवेल्स हैं सबसे ज्यादा यूपी में है, और 50 लाख के आसपास ये जो है ट्यूबवेल्स और वेल इरिगेशन के मीडियम्स हमारे पास हैं। तो याद रखिएगा यूपी इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या पूछा गया है, इंडियन रेलवे का कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है। इंडियन रेलवे की जो एक इकाई है, एक स्पेशल यूनिट है जो कंडक्टिंग इन हाउस रिसर्च, कुछ रिसर्च करती है, उस स्पेशल यूनिट का नाम आपसे पूछा गया है कि इंडियन रेलवे ने एक कोई स्पेशल यूनिट कंडक्ट की है रिसर्च के लिए, उसका नाम आपसे पूछा गया है। एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रेष्ठ बिल्कुल सही है, उस इकाई का नाम श्रेष्ठ है जो इंडियन रेलवे है, उनका जो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस यूनिट का गठन किया है, इस यूनिट को बनाया है। जो भी डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाएगा। श्रेष्ठ इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, कौन सा ढंग से मेल नहीं खा रहा है। तो आप पढ़िए, एक तरफ इन्वेंशन का नाम है, दूसरी तरफ इन्वेंटर का नाम है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बैरोमीटर टेरो केली ने बनाया था, एक्सरे W. रॉड्सन, पैराशूट W. H. कैरोथर्स। तो ऑप्शन डी सही से मैच नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा। जो पैराशूट है उसको बनाने वाले का नाम, जो उनका इन्वेंटर है उसका नाम लुइस लिनोर मैंज, ये सही उत्तर है। जो पैराशूट का इन्वेंटर है वो लुइस लिनोर मैंज है, और ऑप्शन डी इस हिसाब से गलत है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 47th क्वेश्चन की ओर। 47th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑटोसम इन मैन, आदमी के अंदर ऑटोसम की संख्या क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑटोसम्स होते क्या हैं। ऑटोसम्स हमारे क्रोमोसोम्स हैं, इनके पेयर पूछे गए हैं, कितने पेयर होते हैं। तो हमारे जो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर को अगर हटा दें, एक पेयर हमारा सेक्स हार्मोन्स का होता है और 22 पेयर हमारे ऑटोसम्स होते हैं। जो 22 पेयर, अगर आपसे पेयर्स की बात की गई है तो ये 22 बिल्कुल ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, 22 पेयर हैं और 44 क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 में आपसे पूछा गया है इको साउंडिंग एक टेक्निक है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इको टेक्निक है, इको साउंडिंग की एक टेक्निक है उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इमेज में देखिए पहले, तो इसमें आप इतने तब तक ये क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए, मैं आप इमेज की हेल्प से आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जो इको है, रेडिएशन आपकी भेजी जाती है, आपकी रेडिएशन भेजी जाती है, और उसके बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके जितने टाइम पीरियड में आती है तो उससे आप हम डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। ये सोनार के तरीके से काम करती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शंस आपके कुछ इस तरीके से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, किसी भी समुद्र की गहराई को नापने के लिए इको साउंडिंग्स की जरूरत पड़ती है। इसमें हम रेडिएशंस को भेजते हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होके जिस टाइम पीरियड में जितना टाइम पीरियड उसको लगता है उसके अकॉर्डिंग हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए 49th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज द सतलुज ए पार्ट, सतलुज कौन सी रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑप्शंस हैं सिंधु, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, एंड ऑप्शन इज द राइट, इंडस का हिस्सा है सतलुज। इंडस रिवर सिस्टम का सबसे मेजर पार्ट जो है वो सतलुज ही है, इसका जो मेन सेंटर है वो मानसरोवर लेक के पास नेपाल में है, वहां से इसका मेन जो है उद्गम स्थल जो हम कहते हैं वो वहीं से है। तो सिंधु रिवर सिस्टम का एक हिस्सा है सतलुज नदी, याद रखिएगा इस चीज को, डोंट बी कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन। अब देख पा रहे हैं जो सतलुज है वो हमारी इमेज में आप देख पा रहे हैं सतलुज, ये नेपाल से इसका मेन पार्ट नेपाल से निकलता है, और ये पांच रिवर हमारी इंडस रिवर सिस्टम में आती हैं।
इंडस, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज, और सतलुज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडस रिवर सिस्टम का। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ये हमारी आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। राजस्थान रिसीव वेरी लिटल रेन, राजस्थान में बारिश कम होती है, उसका कारण बताइए क्या कारण है। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, या वहाँ पानी उपलब्ध ना होने के कारण वहाँ की जो विंड्स हैं वो ड्राई रहती हैं, जो मानसून है वो फेल टू रीच दिस एरिया, मानसून उस क्षेत्र में पहुंचने में विफल रहता है। या ऑप्शन डी, हवाएं किसी भी बाधा को पार नहीं करती जो हवा को ठंडा करने का कारण होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। ये इस तरीके से आपका आज का सेशन कंप्लीट हो गए हैं, आज आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का लेवल आपको थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा और अच्छा लगा होगा। आप रोज़ इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रोज़ 9 बजे लाइव होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मोटिव रहेगा, ताकि एग्जाम में आपको ये ना लगे कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एग्जाम है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।